नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC ट्यूब टीवी पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है कि कॉम्बिनेशन के एडिशन केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और इन फॉर्मूलों को हम कब और किस प्रकार से यूज़ करते हैं। आज के वीडियो हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन के नेगेटिव केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और इनको हम कब और किस प्रकार से यूज़ करेंगे। जब भी हमें -6, -7, -8, -9 करना होता है तो हमें कुछ केसेस में कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं -6 का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी हमें माइनस करना हो कोई वैल्यू तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर किसी नंबर में से हमें -6 करना है और हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे वीक फ्रेंड का फॉर्मूला। तो -6 का वीक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -10। 6 का फ्रेंड क्या होता है? 4 होता है, तो उसको ऐड करेंगे। तो -6 का वीक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -10 + 4। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा 15। अभी हमको करना है क्या? -6 करना है, लेकिन हमारे पास क्या, ये हमारा राइट हैंड में सिर्फ हमारे पास थंब में अवेलेबल है और जिसकी वैल्यू होती है 5। हम सिर्फ 5 कर सकते हैं, -6 नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या, वीक फ्रेंड के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो -6 का फॉर्मूला होता है -10 + 4। हमारा आंसर क्या हो गया? 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 13 - 6। 13 - 6, -6 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट हैंड में सिर्फ 3 फिंगर अवेलेबल हैं। तो -6 करने के लिए हमें क्या, बिग फ्रेंड के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि होता है -10 + 4। लेकिन अब हम +4 नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि हमारे पास 4 फिंगर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है, 1 फिंगर अवेलेबल है एंड थंब अवेलेबल है। ओके, तो हम डायरेक्टली +4 नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अब हमको यूज़ करना पड़ेगा +4 के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला जो कि होता है +5 - 1, +5 - 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 7। तो कभी कभी हमें सम्स को सॉल्व करने के लिए बिग फ्रेंड एंड स्मॉल फ्रेंड दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन फॉर्मूले को हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कहते हैं। तो -6 का फॉर्मूला हो जाता है -10 + 5 - 1। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10 - 1 - 11 + 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा -6 का फॉर्मूला होता है -11 + 5। अगर हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम -6 का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हो जाता है -11 + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12 - 6। अब हम डायरेक्टली -6 नहीं कर सकते हैं तो हम पहले क्या, बिग फ्रेंड अप्लाई करेंगे, -10 + 4। +4 नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली तो +5 - 1। आंसर इज 6। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया हमारा 11। अब हमको करना है -6। -6 करना है तो -6 के लिए सबसे पहले बिग फ्रेंड अप्लाई करेंगे, -10 + 4। +4 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन के -6 का फॉर्मूला जो कि होता है -11 + 5। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉम्बिनेशन का -7। तो चलिए देखते हैं -7 के कॉम्बिनेशन फॉर्मूले को कब और किस प्रकार से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली -7 कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कर सकते हैं तो हमें कोई फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अगर हम -7 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या, बिग फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो -7 का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -10 + 3। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हम +3 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम +3 डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो हमें उसके बाद हमें +3 के स्मॉल फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ती है जो कि होता है फॉर्मूला +3 के लिए +5 - 2। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हो जाता है -7 के लिए वो हो जाता है -10 + 5 - 2। इसको हम डायरेक्टली किस प्रकार से लिख सकते हैं? -12 + 5। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं कि -7 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है।
फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 15 माइनस 7, 15 माइनस 7। अभी डायरेक्ट तो हम 7 कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या बिग फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। माइनस सेवन का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -10 + 3, आंसर इज 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 16 माइनस 7, 16 माइनस 7, तो -10 + 3, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 14 माइनस 7, -7 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो अब हम यूज़ करेंगे -7 के वीक फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है -10 + 3। लेकिन हम क्या +3 डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या 3 फिंगर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ थम अवेलेबल है जिसकी वैल्यू होती है 5। तो +3 करने के लिए अब हमको यूज़ करना पड़ेगा +3 के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है +5 - 2, आंसर इज 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 13, ये हो गया हमारा 13, -7, तो हमको पता है कि हम डायरेक्टली -7 नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली -7 नहीं कर सकते हैं, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा -7 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है -10 + 3। तो हम +3 डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा -7 के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है -10 + 5 - 2, आंसर इज 6। 12 - 7, 12 - 7, क्या हम -7 डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा -7 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है -10 + 3। क्या हम +3 डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हमको यूज़ करना पड़ेगा -7 के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है -12 + 5, आंसर इज 5। तो चलिए अभी देखते हैं -8 के लिए हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम -8 डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं। अगर हम -8 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे -8 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है -8 = -10, 8 का बिग फ्रेंड होता है 2, तो ऐड 2। एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं, तो इन फॉर्मूले का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले 16 - 8, ये हमारा 16 - 8 करना है। -8 हम डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा -8 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है -10 + 2, आंसर इज 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 13 - 8, ये हो गया हमारा 13, -8 करना है। तो क्या हम -8 डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा -8 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है -10 + 2, -10 + 2। लेकिन हम क्या +2 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 फिंगर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में अब हमको यूज़ करना पड़ेगा +2 के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है +5 - 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। तो हमारे -8 का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है -10 + 5 - 3 = -13 + 5। जब भी हमको -8 करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, फिर हम अप्लाई करेंगे -8 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला। तो -8 का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -10 + 2, +2 करना है, लेकिन हमारे पास क्या टू फिंगर अवेलेबल ना हो और थम अवेलेबल हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या -8 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि होता है -10 + 5 - 3, या हम कह सकते हैं -13 + 5। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 14 - 8, ये हो गया हमारा 14 - 8 करना है। तो हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, तो हम चेक करेंगे कि हम बिग फ्रेंड के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं।
बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है माइनस एट के लिए माइनस टेन प्लस टू, लेकिन हम प्लस टू नहीं कर सकते हैं तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस एट के कॉम्बिनेशन केस का फॉर्मूला जो कि होता है माइनस थर्टीन प्लस फाइव, आंसर इज सिक्स। जो हमारा कॉम्बिनेशन केस का लास्ट फॉर्मूला है वो होता है अप्लाई होता है जब भी हमें क्या माइनस नाइन करना होता है। माइनस नाइन के लिए हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है और इसको हम कब और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं समझते हैं। सबसे जब भी हमें माइनस नाइन करना हो तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली माइनस नाइन कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम अप्लाई करेंगे माइनस नाइन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला जो कि होता है माइनस टेन प्लस वन। अब हमें प्लस वन करना है लेकिन हमारे पास क्या लेकिन सफिशियंट फिंगर अवेलेबल ना हो तो उस केसेस में हमें क्या प्लस वन के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जो कि होता है प्लस फाइव माइनस फोर। तो जब भी हमें दोनों फार्मूले एक साथ यूज़ करने पड़ते हैं तो इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन फार्मूला। तो माइनस नाइन का कॉम्बिनेशन फार्मूला हो जाता है माइनस टेन प्लस फाइव माइनस फोर, या हम इसको कह सकते हैं माइनस फोर्टीन प्लस फाइव। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं कि माइनस नाइन के फॉर्मूले को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 17 माइनस नाइन, ये हो गया हमारा 17 माइनस नाइन करना है। माइनस नाइन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो अब हमें यूज़ करना पड़ेगा माइनस नाइन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला जो कि होता है माइनस टेन प्लस वन, आंसर इज एट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 14 माइनस नाइन, 14 माइनस नाइन, तो क्या हम डायरेक्टली नाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस नाइन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला जो कि होता है माइनस टेन प्लस वन, लेकिन हम क्या यहाँ पर प्लस वन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन फार्मूला जो कि होता है माइनस फोर्टीन प्लस फाइव, आंसर इज फाइव। Thank you for watching, like, share and subscribe my channel.